हम जा रहे हैं मेचुका। जैसे हम रहते हैं आलो शहर में, जो कि मेचुका से 180 किलोमीटर के आसपास है। और आज सुबह हम 6 बजे वहाँ से निकले थे। कल तक धूप अच्छा खासा था और वही सोच के आज सुबह निकले थे। 6 बजे निकलते ही बारिश ने परेशान कर दिया, तो हमने जुगाड़ लगाया लोकल रेनकोट। और आज इस सफ़र में मेरे साथ है मेरे कई सारे अजीज दोस्तों में से एक दोस्त जॉनी बॉयज। और इस वक्त हम हैं यहाँ मोलो एरिया में, और वहाँ पहाड़ के वहाँ आपको एक शायद गांव दिखाई दे रहा होगा, वो पायुम गांव है। इस और पायुम गामंग गत गसंग हेयो करके कुछ 4-5 गांव है, और वहाँ कोई रोड लिंक नहीं है। तो यहाँ से पायुम तक जाने के लिए आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। फिर पायुम से गत गसंग वहाँ लगभग 3-4 दिन पैदल आपको उन जंगलों में चलना होगा। वहाँ भी हम आपको दूसरे ब्लॉग में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमें यहाँ से सबसे पहले पहुँचना है तातो, उसके बाद तातो से फिर हम मेचुका जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। पर्ने पहुंच गए हैं मेचुका के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर भी यहाँ से भी काफ़ी दूर है अब मेचुका। अब यहाँ हम पहले लंच करेंगे। दुकान में हम चॉकलेट खिलाएगा। कितना है? 1-2 गिनो तो। 1-2-3-4 गिनो। 4 उधर, 5-6-7-8-9 है ना? आओ। क्या मिमी खाएगा? होगा। अब क्या खाएगा? मिमी होगा। लड़की दोनों सामने आओ। वेलकम। शाबाश। बाय। टाटा टाटा। ये आ गया हमारा गर्मा गर्म लंच। एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है और हमने खाना खा लिया है। अब यहाँ से सीधे हम मेचुका के लिए निकलेंगे। पहले हम तातो जाएंगे, तातो में कुछ देर रुकेंगे, फिर वहाँ से मेचुका। तो यहाँ से तातो लगभग 2 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए। फिर मेचुका भी तातो से 2 घंटे में, यानी कि 4 घंटे हमें मेचुका पहुँचते पहुँचते लग जाएगा। हाँ, वैसे इस बारिश की वजह से ये सफ़र जो एक सुहाना सफ़र होगा हमने ऐसा सोचा था, मगर सफ़र का मज़ा किरकिरा कर दिया। लेकिन कोई नहीं, बारिश आंधी तूफान जो भी हो, हमें तो पहुंचना है, आदत है हमें। बस अब हम यहाँ से ततो के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ से मेचुका। अब हम ततो के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और ततो पहुंचने से पहले कुछ दूर पहले ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल रास्ते में पड़ता है। इस झरने का नाम, इस वाटरफॉल का नाम सिको दिदो है। सिको दिदो वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। तो दोस्तों, हम तातो पहुंच चुके हैं। ये है तातो, आलो से लगभग 130 किलोमीटर दूर। और अब यहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, और यहाँ से फिर हम मेचुका के लिए जाएंगे। तातो से मेचुका कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई। राइड पे बारिश की वजह से, हालांकि ये प्लास्टिक हमने पहना ज़रूर था, लेकिन
पूरी तरह से हम भीग चुके हैं, हमारे बूट्स भीग चुके हैं, जूते भीग चुके हैं, अंदर तक भीग चुके हैं और मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गई। अब यहाँ से मेचुका तक का जो सफ़र रहेगा ये राइड अब आपका किरण भाई नहीं करेगा, अब हमारा जॉनी भाई राइड करेगा यहाँ से तातो से। अब हम तातो में थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ कुछ देखेंगे, अगर हमें चाय वगैरह मिल जाए तो अच्छा होगा, चाय पी के यहाँ से फिर हम मेचुका के लिए निकलेंगे। तो बने रहिएगा, और बारिश की वजह से हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे इस रास्ते के दौरान, क्योंकि बारिश में मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो फ़ोन में ज़्यादा पानी लग जाएगा तो फिर फ़ोन की लग जाएगी और मैं फिर दूसरा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा इतनी जल्दी, इसीलिए। तो चलते तातो में थोड़ी देर रुकने के बाद मेचुका भी मिलेंगे और अब राइड करेगा मेरा जॉनी भाई, सौरा भाई। तो अब हम तातो से मेचुका की ओर निकलने वाले हैं और 50 किलोमीटर हमें जाना है। वैसे अभी बारिश थोड़ा रुक गया है, थोड़ी शांति मिली है, लेकिन हमने ये प्लास्टिक उतारा नहीं है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में वो रहा तातो, अब तातो को छोड़ के हम जा रहे हैं। और तातो के ठीक सामने वो जो बड़ा सा पहाड़ आप देख रहे हैं, उस पहाड़ के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। आज से कुछ सालों पहले हमारे भारतीय वायुसेना है, हमारे भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 मेचुका से वापस लौट रहा था, तो उस पहाड़ी के चोटी पर टकरा कर वहाँ पर क्रैश हो गया था। बहुत ही भयानक हादसा था वो, पायलट समेत उस प्लेन में जो भी बैठा था उस AN-32 में सब के सब मारे गए थे। ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो बादल कितने नीचे आप देख सकते हैं, अगर वहाँ से कोई प्लेन भी गुजरता है तो विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। वो यही था कि मेचुका से लौटते वक्त उस पहाड़ से टकरा कर वहाँ क्रैश हो गया था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह का रास्ता हो, बारिश ना हो और हम ठीक ठाक मेचुका पहुँच जाए। रुको रुको रुको, हमें एक चीज़ देगा यहाँ पे, लो पे। ओ हमारे साइड स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो अचानक नीचे गिर गया, निकल गया। जॉनी भाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरा ये बसंती अब तक कभी मुझे धोखा नहीं दिया, और ऐसे इलाके में अगर आपकी गाड़ी धोखा दे जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, यहाँ पे अच्छे गैराज मिलना भी मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ स्प्रिंग ही है, अगर नहीं काम नहीं होता तो हम किसी रस्सी से बांध लेंगे उसे। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जॉनी भाई से नहीं लग पाया वो स्प्रिंग, तो कुछ छोटे छोटे रस्सियाँ मिली थी उसे जोड़ कर अब जॉनी भाई बांध रहे हैं, और स्प्रिंग को हम साथ ले जाएंगे बैग में और कल वहाँ मेचुका में किसी मैकेनिक से ही लगवाएंगे। दादा ये गाड़ी का तो पकोड़ा बन गया भाई। इससे पहले तक का सफर जो है पूरी तरह से दोनों तरफ जंगलों से भरा था, लेकिन धीरे धीरे करके अब पहाड़ आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जंगल
अरुणाचल प्रदेश, पूरा अरुणाचल प्रदेश ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेचुका में पहुँचते पहुँचते जितने हम करीब होते जाएंगे, मेचुका की सीनिक ब्यूटी जो है वही चेंज हो जाएगी, एक ड्रास्टिक चेंज आपको देंगे। बहुत ही सुंदर है मेचुका। ये कहाँ आ गए हम। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं मेचुका के काफ़ी करीब। अब यहाँ से मेचुका केवल 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है और लगता है कि पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, तो शायद हम अभी मेचुका को आपको नहीं दिखा पाएंगे। कल देखते हैं क्या होता है, मौसम कैसा होता है। वैसे मेचुका में आते ही वो देखिए खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, पूरी तरह से बदला हुआ नज़ारा। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, फाइनली हम मेचुका में पहुंच चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। अब 8 बज चुके हैं शाम के, तो हम एक घर में ठहरे हैं, बहुत ही खूबसूरत एक घर में ठहरे हैं। आरएल सरजो के नाम से जानते हैं इस घर के ओनर के नाम को, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैडम से या ना ही मेरे जोनी भाई की मुलाकात कभी हुई। फिर भी हम रास्ता पूछते पूछते और यहाँ ठहरने के लिए इजाज़त मांगने के लिए आए थे, और इतना एक शानदार रूम हमें दिया है और साथ ही लाइट रिफ्रेशमेंट मोमो। तो अभी हम मज़ेदार मोमो खाने वाले हैं। कल सुबह ही हम मेचुका के कुछ नज़ारे आपको दिखा पाएंगे, तो आज की शाम यहाँ पर हम गुजारने वाले हैं। काफ़ी थक चुके हैं, आपने देखा आलो से किस तरह से हमारा सफ़र रहा। राइड करते करते बारिश ने परेशान कर दिया था, हमारी आंखें भी लाल हो चुकी हैं राइड करते करते, बारिश में भीगते भीगते। तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट करने वाले हैं और कल ही आपको हम मेचुका दिखा पाएंगे, और हम आशा करते हैं कि कल मौसम जो है खुल जाए। पत्थर का कहानी क्या था ना, मैप जैसा वाला पहाड़ पहाड़ जैसा। हाँ, हाँ, मेचुका का यहाँ का मेचुका का जन्म से नीचे से निकलने वाला है उसका। अच्छा, उसका कहानी जो है दो पेम को बोलता है, पेम को पेम को। हाँ वही है। उसका तीर्थ जो जा रहा है उसका सब पूरा उसका
मंत्र करके अब लोग चलो उधर जाते जाते जाओ दार्जिलिंग पार करके। दार्जिलिंग नहीं ये जाएगा तो उधर स्टेप बना के रखा है ना। ओ पत्थर जो है पूरी तरह से यहाँ आसपास जितने भी पहाड़ है उन पहाड़ों से रिजेंबल करता है। और गूगल में अगर आप देखें तो मेचुका का मैप आपको जिस तरह से दिखाई देगा ठीक उसी तरह से वो पत्थर अपने आप में एक मैप की तरह है जो कि मेचुका के आसपास जो मौजूद जितने भी पहाड़ हैं उस वो सभी पहाड़े जो है वो सभी पहाड़ उस पत्थर में वो रहा पत्थर। वहाँ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं इलाके की। अब जाकर उस पत्थर को देखेंगे जिसे कहा जाता है कि वो मेचुका का मैप है। कुछ मैसेज मेचुका की तरफ से जो भी विजिटर आएंगे उनके लिए। जी आप सभी को नमस्कार और आप सबका मेचुका में स्वागत है। लेकिन जितने भी विजिटर्स या टूरिस्ट बन के यहाँ मेचुका में आते हैं तो प्लीज़ हमारे तरफ से या मेचुका की वासियों की ओर से आपको निवेदन है कि आप यहाँ आने पर आप गंदगी ना फैलाइए और ज़रूर आप जगह में मज़ा लीजिए और अच्छे से साफ़ सुथरा मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू। और भैया इस पत्थर के बारे में कहना है कि ये मैप मेचुका का मैप है। अच्छा आप सब देख सकते हैं आप देख ही रहे हैं कि ये है गूगल मैप ऑफ मेचुका यानी कि आप पूरा जब गूगल मैप से देखने पर आप मेचुका को भी इस प्रकार से देखते हैं। और जो हमारा ये जो मेचुका जो चेरिनिनंग बोलता है और मेचुका भी बोलता है यही हमारा जो तीर्थ यात्रा या होली स्टोन के रूप में साल में एक बार इसको तीर्थ यात्रा के रूप में सब लोग या मतलब ये राउंड अप करते हैं साल में एक बार। ये जो एक्चुअली मेन ये यर्गपचू रिवर का नाम से जाना जाता है ये जो ना स्ट्रीम ये जो योरलुंगफुज रेनो वन ये रेनो टू ना तो वैसे बन के ये जो वैली है ये मेचुका इस इलाका में है। मेचुका वैली प्राकृतिक तौर पर यही पे स्थित है। यहाँ से अब हम लौटने वाले हैं और जाते जाते एक बार फिर से जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे जितने भी घूमने के लिए मेचुका देखने के लिए आएंगे उन्हें हम गुजारिश करना चाहेंगे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ आकर इन वादियों का इन इलाके का मज़ा जरूर लीजिए मगर यहाँ गंदगी ना फैलाएं। अब हम यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे। मेचुका के करीब दोस्तों ये है दार्जिलिंग गांव। कितना खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सामने बर्फ के पहाड़ इस वक्त मैं सब्जी तोड़ रहा हूँ मेचुका में। लाई पत्ता कहते हैं सब्जी को। अब अपनी मर्जी से इसे पानी में उबालूंगा बॉईल करूंगा। बॉईल में ना कोई तेल लगता है ना मसाला लगते हैं बस उबलते हुए पानी में डाला नमक डाला मिर्ची डाला पक गया और यही फ्रेश लाई पत्ता बॉईल मेरी हमारी सब्जी होगी। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है बॉईल खाना इसीलिए बॉईल खाना चाहिए। हमारा खाना तैयार हो रहा है और यहाँ हमारी सब्जी टेस्ट कैसा होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है हेल्दी है ये इम्पोर्टेंट है। और जोनी भाई यहाँ पे एक और हेल्दी डिश बनाने की तैयारी कर रहे हैं टोमेटो के साथ मशरूम। भाई
भाई बारिश फिर से शुरू हो गई है मेचुका में। बारिश हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा जब से हमने जर्नी शुरू किया था, तब से ही बारिश। आप देख सकते हैं पूरी तरह से अब कोहरा छा गया है, अंधेरा हो गया है। जो जो पहाड़ पहले दिख रहा था अब नहीं दिख रहा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करने वाले हैं। और अभी नया नया हूँ मैं यहाँ पे, तो कोशिश करूँगा और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने की, इम्प्रूव करने की। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। शो मी सम लव गाइज, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।